चलिए आतिशी जी की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि दिल्ली में जानबूझकर पानी की किल्लत आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी। यह प्राकृतिक संकट नहीं है, यह एक ऐसा बनावटी संकट है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा अग्रीमेंट से ज्यादा पानी छोड़ रहा है, लेकिन एक दशक के शासन में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था उसको 73,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ा कर दिया है। इन्होंने एक दशक से दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी। 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्टेज में चला जाता है या इल्लीगल टैंकर माफिया जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार प्रोत्साहित करती है उसमें वो चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती सिवा दोषारोपण के। आज इन्होंने गुमराह करने के लिए ये नई एक बनावटी बात जनता के बीच में छोड़ी है, ये सरासर असली।